वाल सिटी में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लेने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल आज सुबह उदयपुर शहर के भीतरी क्षेत्रों में पहुंचे और घर घर दस्तक देकर लोगों से जलापूर्ति के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर के दौरे के दौरान क्षेत्र की जनता का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को LNT और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की शिकायत की। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके घरों में 4 दिन से पीने का पानी नहीं आ रहा है और कल रात को क्षेत्रीय पार्षद कुलदीप जोशी ने सभी के घरों में पानी के कैंपर भिजवाए। इसको लेकर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने LNT और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए हाथों हाथ नमूने भी लिए गए। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने जगदीश चौक, माँ लक्ष्मी मंदिर, भटियान चोटा, पिपलेश्वर महादेव मंदिर की गली, रावजी का आटा, नजरबाग, माजी की बावड़ी, कसारों की ओल होते हुए पूरे अंदरूनी शहर का दौरा किया। इस दौरान शहर विधायक ताराचंद जैन, उपमहापौर पारस सिंह भी, स्मार्ट सिटी के CEO प्रदीप सिंह सांगावत, SCO KP सिंह, PhD अधिकारी मोहनलाल सैनी, अभियंता ललित नागौरी, नगर निगम के SC मुकेश पुजारी, क्षेत्र की जनता सहित कई लोग मौजूद रहे। सुबह से शाम तक खाली बटाने की उठा पानी नहीं, पानी का सप्ले नहीं हो रहा है, गायों के लिए पानी की सप्ले नहीं हो रही है, बहुत मतलब नहीं हो पा रहा है, हर बात बोलते हैं की माता में दो पानी समाधान तो पीएससी के पास है, तो हम क्या करेंगे? लिख तो एक बार इनके खिलाफ तो लिखना पड़ेगा एक बार। कल जब जनपद में पानी कैंपर लेके हमने टैंकर की बात ही की थी, लेकिन नहीं आया क्योंकि पीने पानी सही नहीं था। टैंकर भी आया कल, आपको जहाँ